अरे दोस्तों देखो कितना सुंदर खेल का मैदान। लेकिन आज खेल शुरू करने से पहले हमें कुछ दोस्तों की जरूरत है। हो सकता है इस ताले से बंद घर में हम अपने कुछ दोस्तों को ढूंढ सकते हैं। इसमें चार दरवाजे हैं। हो सकता है इन सभी दरवाजों के पीछे हमें चार दोस्त मिल जाएं। ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है। देखते हैं इस नीले नंबर एक दरवाजे के पीछे कौन है। ये बंद है, हमें रास्ता ढूंढना होगा। चलो घंटी बजाते हैं। हम इन चाबियों से दरवाजों को खोल सकते हैं। हमारे पास चार अलग चाबियां हैं, हर दरवाजे के लिए एक। इसके ऊपर नंबर एक लिखा है। मैं सोचता हूँ इस नंबर एक से ये दरवाजा खुल जाएगा। कोशिश करते हैं। ताले के अंदर डालो, घुमाओ और अब ये खुल गया। चलो देखें अंदर कौन है। वो जॉर्ज पिग है, हमारा पहला दोस्त जो आज हमारे साथ खेलेगा। वो है दे धनाधन जॉर्ज। चलो इसे घुमाते हैं, देखो। अरे वाह, इसे चक्कर आ रहे हैं, पर ये नीचे नहीं गिर रहा। क्या बात है। चलो ठीक है, अब जॉर्ज पिग को यहाँ रखते हैं, इस कोने में। चलो अब ढूंढते हैं हमारे अगले दोस्त को। दरवाजा बंद करना ना भूलें और चाबी से ताला बंद करें। अब हम ढूंढेंगे अगला दोस्त घर को ऐसे घुमा के। देखते हैं लाल रंग के नंबर दो दरवाजे के पीछे कौन है। मैं घंटी बजाता हूँ। अब हम नंबर दो चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऐसे लगाकर खोलते हैं और देखते हैं कौन है। ये है पेपा। हे पेपा पिग। अगला दोस्त काफी मजेदार हो सकता है। वो है पेपा पिग। ये अपने दोस्त जॉर्ज को बुलाकर हमारे साथ खेल भी सकती है। बहुत मजा आएगा। चलो अपना डांस दिखाओ। वो जॉर्ज के पास गई है। उम्मीद है कि दोनों खुश हैं। हम उसे जॉर्ज के साथ रख सकते हैं और दोनों एक साथ घूम सकते हैं। बड़ा मजेदार है। देखना होगा दरवाजा नंबर तीन किस चाबी से खुलेगा। ये नंबर एक है, ये नहीं। नंबर दो, इससे भी नहीं। नंबर तीन, हाँ यही चाबी चाहिए थी। चलो नंबर तीन जामुनी दरवाजा खोलें और देखते हैं कि अंदर कौन है। चलो मैं घंटी बजाता हूँ। चाबी लगाते हैं। अब कौन आएगा? ये है विंडी वॉल्फ। कैसी हो विंडी वॉल्फ? वो कितनी प्यारी लग रही है इस स्लेटी फर में, ये जामुनी कमीज और पैंट और इसके प्यारे नोकीले कान। कैसी हो विंडी वॉल्फ? विंडी वॉल्फ को देखो, देखो कैसे घूम रही है। ओ, कितनी तेज घूम रही है। ये गई विंडी। अब सबको एक साथ घुमाते हैं। अभी सिर्फ तीन लोग घूम रहे हैं, मैं चारों को एक साथ देखना चाहता हूँ। आखिरी दरवाजा है हरा, जिस पर है नंबर चार। इस दरवाजे के पीछे कौन है? मेरे पास चाबी नंबर चार है। चलो घंटी बजाते हैं। चलो देखें कौन है। ये है डॉल्फिन डोंकी। बाहर आओ डॉल्फिन, तुम खेल के मैदान में आखिरी दोस्त हो। ये गई। अरे वो बहुत तेज गई, मजा आ गया। ठीक है इसको यहाँ रखते हैं। अब हम चारों दोस्तों को एक साथ यहाँ पर घुमाएंगे। विंडी वॉल्फ तो पागल हो गई है और जॉर्ज तो लुढ़कने वाला है। बड़ा मजेदार है। दोस्तों अब मैदान में खेलने के लिए तैयार हो? हाँ मैं भी। डॉल्फिन डोंकी और विंडी वॉल्फ मैरी गो राउंड खेलना चाहते हैं। इनको यहाँ रखो, हम इस फूल को घुमा सकते हैं। तुम घूम रहे हो, बड़ा मजेदार है। अब पेपा और जॉर्ज खेलेंगे। ठीक है, पेपा मरी पडल में खेलना चाहता है। छप 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 छपा। पेपा की कमीज पर कीचड़ लग गया। कोई बात नहीं, हम मजे कर रहे हैं। अब लिटिल जॉर्ज पिग झूला झूलना चाहता है, उसे मदद चाहिए। क्या कोई जॉर्ज को धक्का देगा? मैं करता हूँ। शुक्रिया डॉल्फिन। जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों बताओ ये कन्वेयर बेल्ट क्या करती है? इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। पेपा इसे करके देखो, इसे यहाँ रखो और इस अरल को घुमाओ। ये ऊपर गई। कितना मजेदार है, ऊपर रैंप पर गए और नीचे खिसके।
मुझे लगता है इसे सब करना चाहेंगे। ये डॉल्फिन, जॉर्ज, विंडी वॉल्फ, इसको ऐसे चलाएंगे। ये सब इकट्ठे हो गए, लेकिन इनको बहुत मजा आया होगा। और अब ये तीनों मैरी गो राउंड करेंगे। चलो इन्हें घुमाते हैं। सिर्फ दो लोग आ सकते हैं। अरे विंडी वॉल्फ गिर गई। मुझे यकीन है ये और खेलना चाहते हैं। जॉर्ज नीचे फिसलना चाहता है। डॉल्फिन मडी पडल पर कूदना चाहती है और विंडी बिल्कुल ऊपर चढ़ना चाहती है। ओ, 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 ओ। पापा जॉर्ज घर चलो। अरे दोस्तों सुनो, मम्मी पिग ने घर जाने को कहा है। पापा अपनी टॉय कार में घर जाना चाहती है। चलो उसके दोस्तों को बिठाएं। विंडी वॉल्फ, डॉल्फिन डोंकी, जॉर्ज पिग और पापा। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं। बल्ले बल्ले शाबा 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 बल्ले 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 शाबा 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 बल्ले। ठीक है, सब घर जाने के लिए तैयार हैं। मुझे याद रखने में मदद करो। चार नंबर के हरे दरवाजे के पीछे कौन जाएगा? मुझे लगता है डॉल्फिन डोंकी। चलो घंटी बजाओ और दरवाजा खोलो ताकि ये अंदर जाकर डिनर की तैयारी कर सके। डॉल्फिन, खेलने के लिए शुक्रिया। अब जामुनी दरवाजा नंबर तीन। कोई बताएगा जामुनी दरवाजा नंबर तीन के पीछे कौन है? मुझे लगता है जॉर्ज। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे लगता है विंडी वॉल्फ। विंडी वॉल्फ ने जामुनी कमीज पहनी है, यही संकेत है। विंडी अब परिवार के साथ घर जाने का समय हो गया। फिर मिलेंगे। ठीक है, अब दो नंबर लाल दरवाजे के लिए। क्या ये जॉर्ज है जो नीला है या पेपा जो लाल है? मुझे लगता है पेपा। पेपा को सफाई के लिए घर जाना चाहिए क्योंकि कमीज पर कीचड़ लग गया है। पेपा, ये सफाई का समय है, आप जाओ और नहाने का मजा लो। ठीक है, और हमारा आखिरी दरवाजा नीला नंबर एक। नीला नंबर एक है जॉर्ज पिग के लिए। ठीक है जॉर्ज पिग। डायनासोर, जॉर्ज को डायनासोर पसंद है, इसलिए उसके हाथ में हमेशा डायनासोर होते हैं। ठीक है जॉर्ज, अब अंदर जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे। डैडी पिग को मेरा नमस्कार कहना। बाय। उम्मीद है सबको मेलिसा, डग लॉकिंग डॉल हाउस और पेपा पिग विबल वॉबल के साथ खेल का मजा आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और कमेंट करें और बताएं अगली बार आप क्या देखना चाहेंगे। अलविदा।